ये क्या डाल दिया भैया? ये राजमा है सर। जय बत्रीशाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाईबी व्लॉग्स में। और आज सुबह थोड़ा सा जल्दी काम पड़ गया था और मैं आ गया हूँ जोशीमठ। और जोशीमठ पहुँचते ही मुझे जो व्यू दिखा है आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना शानदार जो नज़ारा है यहाँ आते ही मुझे देखने को मिला है। कल रात जो है हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी और कितना सुंदर जो यहाँ का अभी व्यू है वो अभी दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। मौसम एकदम साफ है और पूरी तरह से ढका हुआ जोशीमठ शहर। ये जो रोड है ओली के लिए जाती है, हम जोशीमठ से थोड़ा ऊपर आ रखे हैं अभी थोड़ा सा काम से। तो आप लोग देखिए व्यू, मतलब इस व्यू को देख के इतना मज़ा आ गया आज सुबह सुबह कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और आज मैं जोशीमठ इसलिए आया हूँ क्योंकि जिस दिन हम त्रियुग नारायण जा रहे थे तो दादाजी की गाड़ी पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो आज उसको सही कराने के लिए भेजना है। तो इसलिए आज हम लोग सुबह सुबह जो है जोशीमठ पहुँच गए हैं। और अभी जो गाड़ी है वो तो भेज दी है और हम लोग भी यहाँ से वापस जाएंगे अभी, क्योंकि सुबह एकदम से उठ के और अभी हाथ मुंह भी धोया है और देखते हैं यहाँ पे नाश्ता करेंगे कहीं पे बीच में, फिर चलेंगे घर के लिए। लोग बद्रीनाथ स्टैंड पे आए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी दुकान है, छोले भटूरे बनते हैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी। तो हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके हैं अभी। बाहर का मौसम देखिए, अभी कल रात जो बर्फ़ पड़ी थी उसके बाद मौसम काफ़ी सुहाना हो गया और इस मौसम में छोले भटूरे खाने का अलग ही मज़ा है। ये देखो भाई, ये बंदे तो ये क्या डाल दिया भैया? ये राजमा है सर, साग भटूरे। देखो भाई राजमा है, आप खा के ही पता चलेगा जा चुका है इसमें क्या कलर उसका है। ये है हमारे यहीं की लोकल राजमा है। ये क्या भैया? ये ऑनियन टमाटो और आपका हरी मिर्च है, आपका धनिया है। कलर देखो भाई इसका, कलर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा दही डाल देंगे। ये दही है, जरा दही भी डाल देंगे। और तरीका देखिए बनाने का, एकदम हाथों से इतना बड़ा भटूरा बनाया जा रहा है। ये देखिए ये भटूरे बन रहे हैं और ये देखिए कितने शानदार तरीके से भटूरे जो है एकदम तेल में डालते ही फूल गए हैं। फिर देखिए हमारी जो प्लेट है वो सज चुकी है और काफ़ी फेमस यहाँ पे बद्रीनाथ स्टैंड पर अगर आप आओगे कभी भी तो भटूरे यहाँ पे बाहर से ही लिखा हुआ है भटूरे। ये देखिए भगवती छोले भटूरे एंड नान भंडार बाहर से आपको दिख जाएगा, काफ़ी फेमस है जोशीमठ में। फिर देखिए मिर्ची का जो अचार है वो भी रखा हुआ है यहाँ पे, मज़ा आएगा इसके साथ खाने में भी। भाई जो भटूरे और ये राजमा की दाल है इसका इतना जबरदस्त टेस्ट आ रहा है कि मजा ही आ गया आज सुबह से खा के। एक भटूरे और इस खा चुका है, एक और तैयार हो गया है, देखते हैं अभी कितने खाते हैं। बद्रीनाथ स्टैंड पे
भगवती भाई का छोले भटूरे का स्टैंड है, काफ़ी टेस्टी, अभी अभी हमने खाया है, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए जो ठीक बद्रीनाथ स्टैंड है, यहाँ पे आपको शाइन बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ से मलाली जो है 61 किलोमीटर, तो आप लोगों को पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ से अगर आप जोशीमठ मार्केट के साइड से आते हो तो पहले दुकान पड़ेगी आपको यहाँ पे। और हम लोग घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन तभी विपुल भैया का फ़ोन आया है कि क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं भैया लोग गुलाब कोटी, जो जोशीमठ से लगभग मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर के आसपास होगा। तो भैया लोगों को कॉल आया तो हम लोग भी जा रहे हैं उनका मैच देखने, तो चलते हैं अभी। अभी यहीं लगा दी है और हमने जाना है, यहाँ ऊपर एक घर दिख रहा होगा आपको वहाँ पे तक, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जो है ना, इसलिए जो गाड़ी है वो हमने यहीं पे लगा दी है। अभी यहाँ से ऊपर जो है वो पैदल जाना है। और अभी बारिश यहाँ पे आने लग गई है, तो जो मैच हम देखने आए थे वो तो आज हुआ नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं फिर से वापस। और हम लोग अभी आए हैं स्नूकर खेलने के लिए, हमारे साथ है अक्षु, यस्सु, उद्धव और अरमान। और अरमान अभी नौसिखिया है, उद्धव भी नौसिखिया है, मैंने 2 साल पहले लास्ट खेला था और आज पकड़ रहा हूँ मैं इसकी स्टिक। और ये अरमान नौसिखिया और ये बाउंड्री लाइन से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल वाईबी व्लॉग्स को।